ये देखिए अभी सुबह मॉर्निंग वॉक से आ गए हैं, 6:15 बज रहा है। ये शूज कल आया है, रेड टेप का है, मिंत्रा से, तब से उसी को निहार रहा है। वही बोले मेला में पहनेंगे ना, मेला के लिए आया है, भी गंदा कर ले क्या मतलब हुआ। हाँ तो मिलने के बाद तो पहनोगे, तब उसके बाद ठंडी तो आएगा, ठंडी के लिए ही आया है ना। हेलो, गुड मॉर्निंग और हैप्पी नवरात्रि। आज पहला नवरात्रि है, उस लोग को पता भी नहीं। और मैं जा रही हूँ बाहर, सब साफ करें, पानी आ गया है, 6:15 बज रहे हैं, और पूरा थोड़ा घर वर को थोड़ा साफ करते हैं। संडे भी है वैसे, तो चलिए चलते हैं और साफ सफाई करते हैं। और यहाँ पे शुरू हो गए हैं रगड़ना पूरा का ही ना, बारिश भर पूरा नहीं हुआ था साहब, एक बार शुरू में किए थे और जब ये अभी बारिश खूब हुआ था तो उसमें लग गया है, क्योंकि बारिश के बाद ही साफ करते थे, तो थोड़ा टाइम लगा था। पूजा कर ली, नहा के आके पूजा हो गया है, उधर सब साफ किए थे तो बोले पहले नहा लेते तब अंदर पूरा करेंगे, पर इधर झाड़ू लगा दिए थे तो पूजा वूजा करेंगे, तो इधर बस झाड़ू लगा दिए, अब पूरा करेंगे, थोड़ा चाय बना के पीते हैं। और फर्स्ट नवरात्रि और यहाँ ना नहा के आ गए थे, क्योंकि उधर नाली वगैरह साफ किए थे बाहर आंगन पूरा, तो बोले नहा ही लेते, उस टाइम पानी भी आ रहा था, बाल भी धोना था तो तेल लगाए थे, तो बाल धो के नहा लिए हैं और फिर अंदर आए हैं, तो बोले चलो अब थोड़ा बहुत जाला वगैरह है, क्योंकि ना बहुत अभी जाला लग जा रहा है, पता नहीं क्यों, क्योंकि ना अभी तीज में साफ ही किए थे और अभी लग गया है, तो थोड़ा बहुत था लगा हुआ, तो बोले चलो थोड़ा बहुत साफ कर देते हैं और उसके बाद नीचे झाड़ू पोछा लगा देंगे, ये सब हटा के कवर सोफा का। और ये सूट देखिए, ये ना मैं वो मीशो से ली थी, बेकार ही है बस, ये बोले अब इतना 170 में दिया था, बोले इतना सस्ता मिला है तो पहन लो, क्या लौटा होगी। और यहाँ पे उधर सोफा का सारा कवर वगैरह हटा के इधर रख दिए हैं, फिर इस रूम में आए हैं, क्योंकि एलवेस्टर रहता है ना, तो एलवेस्टर के किनारे में ना ज्यादा थोड़ा सा लग जाता है, दोनों रूम में ज्यादा नहीं है लेकिन इधर वाले में ना ज्यादा है, वो खिड़की इधर से ही बाहर का है तो धूल भी आता है हवा के साथ, तो उसमें लग जा रहा है। और पूरा एकदम साफ सफाई हो गया है एकदम अच्छे से, और नवरात्रि चालू हो गया है, यहाँ तो मेला भी चालू हो गया बच्चे लोग का फर्स्ट नवरात्रि से ही, और एकदम से बहुत ही एकदम अभी एक्साइटेड है कि कहीं बारिश ना हो जाए फिर इस बार। और यहाँ पे ना बोले थोड़ा थोड़ा सब जगह साफ कर रहे थे, क्योंकि ना ये लोग फैला देता है इतना सब कुछ एक चीज लेने के चक्कर में पूरा सामान, तो यहाँ पे भी बोले थोड़ा बहुत साफ कर देते हैं, और अब तो दिवाली का सफाई तो होगा ही, अभी दिवाली मेला के बाद दिवाली से ले मेला से लेकर दिवाली तक तो आदमी को फुर्सत ही नहीं होगा। और खाने में चावल दाल और ये चना फूलने दिए थे, तो ये है प्याज देके इसको भून दिए थे, तो देखिएगा आज का कैसा लगा, प्लीज लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब। हाँ देखिए रेडी हो गया है ये रूम पूरा नवरात्रि में, पूरा बोले थे दिवाली में बिछाएंगे, अभी बिछा दिए हैं ये सोफा कवर, और यहाँ काम पूरा हो गया है, मैं भी रेडी वेडी हो गई हूँ, नहा तो पहले ली थी, बाल वाल सूख गया है, तो और यहाँ देखिए पूरा रंगचस हो गया, बस वो कुशन कवर लगाना है, हो गया पूरा, लगे लगे ना उकाई है साफ करने, बड़ा बारिश वाला था, कमर में दर्द हो गया है, पूरा हो गया, कुछ चमक रहा है एकदम से घर। और फिर सब काम उम हो गया ना, तो शाम को सब्जी वगैरह लेने गए थे, तो उधर ना देखिए एकदम पूरा एकदम अच्छे से एकदम माता रानी का लग गया, फर्स्ट नवरात्रि शुरू हो गया, तो और यहाँ पे सब लोग वो थोड़ा प्रणाम वगैरह करके आ गए, और मेला भी एकदम से पूरा लग गया है, लेकिन ये लोग को बोले नहीं अभी चल रहा है, नहीं झूलना है, ये देखिए नहीं तो आज झूला देते तो आज से ही पूरा विजयादशमी तक 10 दिन ये लोग झूलता, ये नहीं कि एक दिन झूल के उस पे झूल लिए तब नहीं दूसरे पे करें, नहीं सब पे रोज झूलेगा, आदत ही लोग का खराब हो गया, एकदम से पूरा एकदम रेडी है, आज तो उतना नहीं चल रहा है, कल सेकंड नवरात्रि में पूरा चलने लगेगा।